एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की निटिंग ड्रेस, जो कि मैं सिलाई से बनाने वाली। जिनको थोड़ा बहुत भी सिलाई चलाना आता है लड्डू गोपाल के लिए, वो आसानी से बना सकते हैं ड्रेस को। चोली और घेर मैं आज की वीडियो में सिखाने वाली हूँ। कैप का डिज़ाइन मैंने पिछली वीडियो में जो है अपलोड कर दी है वीडियो, कैप की डिज़ाइन के लिए, जिसमें मैंने 0 से लेकर 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल की कैप का मेजरमेंट चार्ट दिया हुआ है। चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने लड्डू गोपाल की जो कैप है वो बना सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ जाकर आप उसे कैप को बनाना सीख सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी उनकी चोली और घेरा, दोनों को बनाना सिखा रही हूँ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308। वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं वाइट कलर की ड्रेस बना रही हूँ, तो वाइट कलर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप जो चाहे कलर वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 नंबर की सिलाइयाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं चार्ट भी आपको दूंगी, जिससे आप अपने 0 से लेकर 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल की ड्रेस सिलाई से सीख सकते हैं। चार्ट मैंने लड्डू गोपाल के मेजरमेंट से ही बनाया है, तो आप इस चार्ट को का स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का नंबर दिया हुआ है, जो कि 10 तक है। और यहाँ पर मैंने फंदे दिए हुए हैं कि सिलाई में कितने फंदे डालने हैं, और यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लिखी हुई हैं, कितनी सिलाइयाँ हमें बनानी हैं। तो देखिए, 0 से लेकर 10 नंबर तक के जो लड्डू गोपाल हैं, उनका पूरा सही सही मेजरमेंट है ये। मैंने उनके ही मेजरमेंट से लेकर ये चार्ट बनाया है। तो 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम 12 फंदे सिलाई में डालेंगे और 3 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। और 1 नंबर के लिए 14 फंदे डालेंगे, 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। 2 नंबर के लिए 16 फंदे डालेंगे और 5 सिलाइयाँ बनाएंगे। 3 नंबर के लिए 18 सिलाइयाँ बनाएंगे और 18 फंदे डालेंगे और 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। 4 नंबर के लिए 20 फंदे डालेंगे और 7 सिलाइयाँ बनाएंगे। 5 नंबर के लिए 22 फंदे डालेंगे और 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। 6 नंबर के लिए 24 फंदे डालेंगे और 9 सिलाइयाँ बनाएंगे। इसी तरह 7 नंबर के लिए 26 फंदे डालेंगे और 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। 8 नंबर के लिए 28 फंदे और 12 सिलाइयाँ। 9 नंबर के लिए 30 फंदे और 14 सिलाइयाँ। और सेम 10 नंबर के लिए आपको बनाने हैं 32 फंदे और 16 सिलाइयाँ। मैं इसमें नोट करना भूल गई हूँ, 32 फंदे 16 सिलाई। तो चलिए मैं नोट कर देती हूँ, 32 फंदे एंड 16 सिलाइयाँ। तो यहाँ पर हमने ये 10 नंबर के लिए 32 फंदे 16 सिलाइयाँ बनाना है। तो ये हमारा छोटा सा चार्ट है। अब देखिए, मैं बनाना किस तरीके से है, तो मैं बनाना आपको बता रही हूँ कि सिलाई में सबसे पहले फंदे हम डालेंगे। तो फंदे डालने के लिए मैं थोड़ा सा जो है वो छोड़ देती हूँ धागा, और बीच में से मैं थोड़ा सा धागा इस तरह से लेती हूँ। इस तरह से हम नॉट लगाएंगे और इस सिलाई में ले लेंगे। इस तरह से जो भगवान की ड्रेसेस हम बनाते हैं, तो किसी भी भगवान की आप ड्रेस बनाए तो इसी तरह से फंदे डालें। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई में डालना है फंदे, इस तरह से। ये जो ये देखिए, इस तरीके से डालना है। इस वाले फंदे को हम सिलाई से इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह इसके अंदर से उतार देंगे इस तरह से। फिर से देखिए, इस तरह से। और आप जिस तरीके से जानते हैं, आप उस तरीके से ही फंदे डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से ही भगवान की जब ड्रेस बनाती हूँ, तो इस तरीके से ही मैं डालती हूँ फंदे। तो मैं बना रही हूँ 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। मेरे पास 7 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, तो मैं 7 नंबर के हिसाब से ही फंदे डालूंगी, जो कि मैंने चार्ट में दिया हुआ है। तो मैं फंदे इस तरीके से डालूंगी सिलाई में। तो 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैंने यहाँ पर जो फंदे डाल दिए हैं, वो टोटल 26 फंदे डाले हैं, 26 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए क्या करना है, ये पहली सिलाई हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सिलाई हमने पूरी कर ली है। देखिए, अब हमने क्या करना है, इस तरफ से भी हम, आप चाहे पहला फंदा उतार सकते हैं इस तरह से, और दूसरा फंदा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा बुनते हुए हम ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे।
तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसे, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए अब जो नेक्स्ट सिलाई हमें बनानी है वो हमें पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से बनानी है, और जो दूसरा फंदा है उसमें हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से, इसको लेंगे और फिर धागा पीछे करेंगे और इसी फंदे में से हम पीछे की साइड से एक फंदा लेंगे, तो हमारा यहाँ धागा एक सॉरी एक जो वो है एक निटिंग बढ़ जाएगा इस तरह से, एक हमारा धागा बढ़ जाएगा इसमें, एक फंदे को हमने बढ़ा लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले को बढ़ाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हमने इसी तरह से ये सारे फंदे वो बढ़ा लेने हैं, धागा करेंगे इस तरह से, एक ही फंदे में से हम दो फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदे में से हम दो फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारे फंदे बढ़ा लेने हैं, और लास्ट वाला फंदा है उसे हम ऐसे ही बुन लेंगे, उसमें हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पहले फंदे को हम उतार लेंगे और बाकी सारे फंदे हैं उन्हें हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये वाली रो हमने उल्टी सिलाई बुन के कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही ईजी और आसान ड्रेस है ये, इसे आप अगर सिलाई चलाना जानते हैं तो इसे आसानी से आप बना सकते हैं। और आपके चार्ट तो मैंने दे ही दिया है कि कितने नंबर के लिए कितने फंदे लेने हैं। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमें सिलाई नज़र आ रही है, देखिए ये वाली हमारी एक सिलाई है और ये यहाँ पर हमारी दो सिलाई है। जब कंप्लीट हुई है जब हमने चार सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये जो रो नज़र आ रही हैं दो, ये दो रो तब नज़र आती हैं जब हम चार सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको इस तरह से जो रो हैं वो गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको रो गिननी है। तो आपके पास 10 इसकी जो सिलाइयाँ 10 रो होनी चाहिए, तब जाके आपकी ये जो हैं सिलाइयाँ कंप्लीट होंगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। 10वीं सवाल सिलाई हमारी ये चल रही है। ये देखिए यहाँ पर हमारी वापस आएंगे तो कंप्लीट होगी 10वीं सिलाई। तो 10वीं सिलाई जब हम बनाएंगे तो ये हमारी 10वीं सिलाई की एक साइड कंप्लीट हो गई है। अब ये दूसरी साइड है 10वीं सिलाई की। तो देखिए जब हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे तब हमारी ये सिलाई कंप्लीट होगी, लेकिन हमने यहीं पर इसको 10वीं सिलाई में ही हमने यहाँ पर मुड्ढे बनाने हैं। तो मुड्ढे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारे पास जितने भी फंदे हैं उनको हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने फंदे हैं। तो ये हमारे पास 50 फंदे हैं, 50 फंदे हैं हमारे पास, इनको हम 6 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो फंदे बचेंगे उनको हम इस वाले भाग में उनको बनाएंगे, बीच वाले भाग में उनको नहीं बनाएंगे। जो साइड वाला भाग है उस फंदे को, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फंदे बचेंगे उनको इस भाग में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे आएंगे 8 8 फंदे और बाकी के बीच में आएंगे सॉरी यहाँ पर आएंगे हमारे 9 9 फंदे, एक फंदा हम यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 9 हो जाएंगे और बाकी के में आएंगे हमारे 8 8 फंदे। तो देखिए बनाना किस तरीके से, बनाना इस तरीके से, पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये फंदा हम, दो फंदे हो गए हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 9 फंदे हमने बना लिए। अब देखिए क्या करना है, हम जो पहला फंदा है जो 8 फंदे हम लेंगे उसका पहला फंदा है इसको बुनेंगे इस तरह से, और पिछला फंदा इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो ये एक हम फंदा हमारा वो घट चुका है, और ये फंदे देखिए हमारे पास पूरे 9 हैं, 2 4 6 8 और 9, ये फंदे हमें 9 ही रखने हैं, इसलिए हमें एक फंदा और लेना पड़ेगा। ये देखिए एक फंदा और हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से, तो यहाँ हम ले लेंगे 10 फंदे टोटल, 2 4 6 8 10, 10 फंदे लेने के बाद हमने अगला फंदा हमने बुनना है और पिछले फंदे को उसके ऊपर से निकाल देना है। तो ये हमारा एक फंदा घट गया। अब हमारे पास यहाँ बचे हैं 9 फंदे, 2 4 6 8 और 1 9, 9 फंदे हमने यहाँ रखने हैं, 9 फंदे ही हमने यहाँ रखने हैं। तो देखिए अब हमने हमारे सिलाई में 9 फंदे ही अलग हो गए, यहाँ हमने एक फंदा घटा लिया है। अब अगले फंदे को हम बुनेंगे और पीछे वाले फंदे में से घटा देंगे, दो फंदे घट गए
तीन फंदे कट गए, चार, पांच, छः, सात और ये आठ, आठ फंदे हमारे कट गए हैं। अब हमें देखिए यहाँ 16 फंदे हमने बनाने हैं, तो एक फंदा हमारे पास है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। 16 फंदे हमारे बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे घटाने के लिए ये वाला फंदा भी एक बुनेंगे, इस तरह से 17 फंदा लेंगे और फिर नेक्स्ट वाला फंदा बुनेंगे और पिछले वाले फंदे को हम इस पर से उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पूरे टोटल 16 फंदा ही रहेंगे। देखिए मैं काउंट करके बता देती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। अब हम बाकी फंदे 8 घटा देंगे, एक हमने घटा दिया है, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये हो गए 8। 8 फंदे हमारे ये घट चुके हैं, ठीक है। अब हमने बाकी के कितने फंदे बचे हैं, देखिए 2, 4, 6, 8 और एक ये 9, इन फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे, इस तरीके से ही बना लेना है बस। तो यहाँ पर हमारे मुड्ढे बन चुके हैं, तो इस लाइन पर आके 10वीं लाइन पर भी ही हमने इसको फंदे को मुड्ढे को बना लेना है। हर नंबर में आपको कितने भी नंबर के लड्डू पाले इस तरीके से ही आपको फंदे घटाने हैं। अब देखिए अब क्या करना है, पहला फंदा हम उतारेंगे इस तरह से और बाकी की सारी जो जितने भी फंदे हैं उनको हम सबको उल्टा उल्टा बुन लेंगे और जहाँ पर ये मुड्ढे वाला हिस्सा आएगा उसको थोड़ा सा हम टाइट बुनेंगे ताकि वो ज़्यादा लूज ना हो। देखिए इस तरह से ये अलग है और ये उल्टा उल्टा हमने बुन लिए सारे फंदे, तो यहाँ पर हमारा ये जो जॉइंट हो जाएगा मुड्ढा। तो सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, सिलाई कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट सिलाई हम बना रहे हैं। तो इसको पहला फंदा उतार लेंगे और इस सिलाई को भी हमने उल्टा उल्टा बना लेना है इस तरह से। तो ये हमारी पूरी एक सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, मतलब दो सिलाइयों का एक जोड़ा वो एक सिलाई कंप्लीट होती है जब हम यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से मैं सिलाई को काउंट करती हूँ, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सिलाई भी हमने इसी तरह से बनानी है। देखिए पहला फंदा उतारना है और इस तरह से हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको इस तरह से ही बनाते हुए यहाँ से बनाएंगे यहाँ तक, फिर यहीं से उल्टा बनाते हुए पहला फंदा उतार लेंगे और उल्टा बनाते हुए यहाँ तक हम आ जाएंगे। रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अब हमें दो रो यहाँ नज़र आ रही हैं, देखिए वन जहाँ से हमने मुड्ढे बनाए हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर हमें दो रो नज़र आ रही हैं, वन और टू। टू रोज के बाद ही हमने यहाँ पर एक रो और लेनी है, यानी थ्री रो हमने यहाँ पर बनानी है। एक रो हम यहाँ से लेकर वापस यहीं पर आ जाएंगे, जिस तरीके से हमने ये बनाई है उसी तरीके से हमने उल्टा उल्टा इसको बनाकर इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर आपको रो नज़र आ रही है, वन टू थ्री, थ्री रो हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और जैसे कि हमने पहले जो फंदे बढ़ाए थे इस तरीके से ही हमने फंदे बढ़ाने हैं। और फंदे कितने बढ़ाने हैं, हमने हर एक फंदा बढ़ाना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में हर एक फंदा बढ़ाया था, पहला और आखिरी फंदा हम नहीं बनाएंगे, बाकी के सारे फंदे हम इस तरीके से ही बढ़ा लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। रो हमारी कंप्लीट हो गई, सारे फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब ये वाली लाइन हमने इस तरीके से बनानी है, पहला फंदा हमने उतार लेना है
और बाकी सारे फंदे जो हैं उन्हें हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो मैं लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली रो है इसमें पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ से भी हम पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो इसमें आप इन सभी फंदों में और फंदे बढ़ा दें, अगर आपको घेर कम चाहिए तो आप इतना ही फंदे रखें। मैं इतने ही फंदे रख रही हूँ जितने अभी इसमें हैं, और मैं इसको 3 इंच तक बड़ा घेर और बना लूँगी। यहाँ से हम 3 इंच नापेंगे और यहाँ तक हम इस घेर को बना लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी जो पिक है वो शेयर कर दूँगी थंबनेल पर, कि किस तरह के लड्डू गोपाल दिख रहे हैं। और आप इसमें कोई भी चीज़ मतलब शो की लगा सकते हैं, चाहे वो रेडीमेड फ्लावर हो। तो मैंने यहाँ पर फ्लावर बना रखे हैं, ये देखिए इस तरह के। तो मैं इनको लगाऊंगी मोती के साथ इसमें और डेकोरेट करूंगी। आप विदाउट डेकोरेट भी अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं, आप चाहे तो किनारा दूसरे कलर की ऊन से बना सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में, इसकी जो पिक है वो दिखाऊंगी। कोशिश करूंगी मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ। 3 इंच के लगभग मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आपको और घेर लंबा करना है तो आप और घेर लंबा भी कर सकते हैं। यहाँ हम 2 फंदे लेंगे इस साथ और इसको हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ फंदे घटा देने हैं, इस तरह से फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से हमने सारे फंदे घटा देने हैं। तो मैं सारे फंदे घटा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए, हमने सारे फंदे घटा लिए हैं, यहाँ से धागा हमने कट करके अंदर की साइड कर दिया है। अब देखिए, मैं आपको पिना कर दिखा रही हूँ लड्डू गोपाल को कि किस तरह से पिनाना है। आप चाहे इसको यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पर स्टिचिंग कर सकते हैं और इस हिस्से को बंद कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ से इनको डालना हो। इसलिए तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। पहले हम यहाँ लंबे वाले हाथ में से डालेंगे, जो हाथ नीचे की साइड है उसमें से हम इसको डालेंगे। ये 7 नंबर के लड्डू गोपाल है मेरे पास, तो मैं इन्हीं के साइज़ से, इन्हीं के मेजरमेंट से मैंने ये बताया है। चार्ट मैंने आपको दे ही दिया था, जिससे मदद से आप जो भी आपके घर में लड्डू गोपाल हैं उनका जो स्वेटर है वो आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये आएगा और इस यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे। आप चाहें चिट बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, पीछे की साइड यूं करके आप चिट बटन लगा सकते हैं, डोरी भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो घेर है पूरा, इसमें इतने कम घेर में ही पूरे कवर हो जाएंगे लड्डू गोपाल। और मैं साथ में मोती के साथ ये जो मैंने कपड़े से बनाए हुए हैं ये वाले फ्लावर मैं डेकोरेट कर दूंगी। मैंने पिछली वीडियो में निटिंग वाली में, क्रोचेट वाली में भी ये फ्लावर बनाना बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ पर आप इसको सीख सकते हैं। और एक फ्लावर मैं यहाँ लगा दूंगी इस तरह से। और पिछली वीडियो में मैंने निटिंग जो कैप बताई है इनकी, तो देखिए इस तरह की जो कैप है आप मैचिंग की भी बना सकते हैं, और उसमें भी मैं इसमें फ्लावर लगा दूँगी। तो इस तरह से इनकी ड्रेस हो जाएगी रेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी आप प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस क्रोचेट, निटिंग और क्राफ्ट की आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। राधे कृष्णा।